हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश कुमार शर्मा फ्रॉम यूएस एकेडमी इंस्टीट्यूट गोरखपुर। दिस इज़ माई फोर्थ वीडियो फॉर क्लास 11th। इन दिस वीडियो वी विल डील फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। This system of five kingdom system given by R.H. Whitaker, and this is most acceptable biological classification. Because this classification satisfy almost all the biological organism classify in a well-to-do manner, except viruses. Let us see here. Five kingdom system of classification. R.H. Whitaker, an American ecologist, made an attempt to solve the taxonomic problem in the second half of the 20th century. He proposed five kingdom classification in 1969 to show the phylogenetic relationship of the organism. Whitaker divided the living world into five kingdoms, that is Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae. In this classification, organisms of each type have a proper place from the point of view of their structure and evolution. Hence Whitaker's scheme has found favor with most biologists. This is the five kingdom: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Whitaker 1969 has built his five kingdom system of classification of living organism on the following basis are factors. What are those factors? First one, structure of cell. Living organism can be divided into two major categories on the basis of the cell structure, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. Next one, unicellular and multicellular organization. The principle of organic evolution has revealed that earliest organisms were simple and unicellular. Some of the unicellular eukaryotic organisms in due course of evolution time evolved into multicellular organism. Some of multicellular organism finally became complex. Mode of nutrition. Whitaker classified organism on the basis of autotrophic and heterotrophic. Mode of nutrition. Autotrophic organisms are further divided into chemosynthetic and photosynthetic. Heterotrophic organisms are also divided into two categories, that is ingestive and or holozoic
एंड एब्जॉर्प्टिव आर सेप्रोफिटिक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, व्हाट आर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो दैट ऑर्गेनिज्म ऑफ वन फाइलम और प्रीवियस फाइलम हैव सम कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नेक्स्ट अपकमिंग फाइलम। दैट इज देयर इज रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑर्गेनिज्म इन बिटवीन टू फाइलम्स। फाइलोजेनी इज इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। देयरफोर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एलोन आर द इंडेक्स ऑफ देयर ट्रू किंगशिप। सच रिलेशनशिप्स आर नॉट क्लियर इन ऑल केसेस। ओनली फॉसिल रिकॉर्ड्स कैन प्रोवाइड सच रिलेशनशिप्स बट दिस रिकॉर्ड इज इनकम्प्लीट एंड इज लाइकली टू रिमेन सो। देयरफोर द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स आर असर्टेन एज पॉइंट आउट अर्लियर इन दिस चैप्टर फ्रॉम मॉर्फोलॉजी साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ करेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जस्टिफिकेशन फॉर फाइव किंगडम सिस्टम मीन्स वाई इट इज फेवर्ड बाई बायोलॉजिस्ट। फर्स्ट वन, सेपरेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक फ्रॉम द प्लांट इनटू एन इंडिपेंडेंट किंगडम दैट इज मोनेरा इज फुल्ली जस्टिफाइड बिकॉज दे डिफर फ्रॉम ऑल अदर ऑर्गेनिज्म इन देयर मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट सच एज यूक्लिडा हैड अर्लियर बीन इंक्लूडेड बोथ इन प्लांट एंड एनिमल्स। ग्रुपिंग ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स इनटू ए सेपरेट किंगडम प्रोटिस्टा हैज इलिमिनेटेड दिस एनोमली। थर्ड वन, एलिवेशन ऑफ फंजाई टू द रैंक ऑफ ए किंगडम इज फुल्ली जस्टिफाइड और करेक्ट बिकॉज दे डिफर इन मॉर्फोलॉजी एज वेल एज फिजियोलॉजी फ्रॉम द प्लांट्स विद विच दे वेयर हिथेरेटो ग्रुप मीन्स देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे लैक क्लोरोफिल दैट्स वाई दे आर केप्ट इन सेपरेट ग्रुप। फोर्थ वन, द प्लांट एंड एनिमल किंगडम आर नाउ मोर होमोजीनस ग्रुप दैन दे वेयर इन द अर्लियर टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द कैरेक्टर्स विच इवॉल्व वेरी अर्ली इन द ऑर्गेनिक वर्ल्ड। सिक्स, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सीम्स मोर फाइलोजेनेटिकली रीजनेबल बिकॉज इट इंडिकेट्स द ग्रेजुअल इवोल्यूशन ऑफ अर्ली ऑर्गेनिज्म इनटू प्लांट एंड एनिमल टू ए गुड एक्सटेंट। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइव किंगडम्स, देयर आर सम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फाइव किंगडम। मोनेरा, मोनेरा इज रिप्रेजेंटेड बाई
आर्की बैक्टीरिया, एंशियंट बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया दैट इज ट्रू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया दैट इज ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट प्रोटिस्टा। इन दिस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैप्ट प्रोटिस्टेंस एल्गी, यूग्लिना लाइक फ्लैजलेट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, डायटम्स, वाटर मोल्ड, स्लाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोअन्स। मीन्स इन केस ऑफ प्रोटिस्टा ओनली यूनिसेलुलर एनिमल एंड प्लांट आर फंजाई आर कैप्ट। फंजाई ईस्ट, मोल्ड, मशरूम, टोडस्टूल, पफबॉल, ब्रैकेट फंजाई, रस्ट, मिल्ड्यू एटीसी। प्लांटी एल्गी, लीवरवर्ट, मॉसेज, फर्न, कोनिफर, फ्लावरिंग प्लांट्स। एनिमेलिया स्पॉन्जेस, निडेरियंस, वर्म, आर्थ्रोपोड्स, मोलस, इकाइनोडर्म्स, लोअर कार्डेट्स, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। दीज आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फाइव डिफरेंट किंगडम्स। ड्रॉबैक्स ऑफ फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मीन्स व्हाट आर द ड्रॉबैक्स आर शॉर्ट कमिंग्स। फर्स्ट वन, द किंगडम मोनेरा एंड प्रोटिस्टा स्टिल हेट्रोजीनस ग्रुप। बोथ इंक्लूड फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक हेट्रोट्रॉफिक फॉर्म्स एंड ऑर्गेनिज्म विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। सेकेंड वन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर्टिकुलरली एट लोअर ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलरली ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म आर नॉट फुल्ली रिफ्लेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन ग्रीन एल्गा एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया गेट हाइड्रोजन फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर, बट दीज आर असाइंड टू डिफरेंट किंगडम्स। थर्ड वन, मैनी डिफरेंट प्रोटिस्टेंस लाइन्स गेव राइज टू मल्टी सेलर ग्रुप्स एंड नन ऑफ द थ्री हायर किंगडम्स कंटेन द सिंगल एंसेस्टर इफ एनी ऑफ ऑल इट्स मेंबर। मल्टी सेलर लाइन्स originated from protists, many, at least 17 times. Thus, each kingdom is phylogenetic. Fourth one, unicellular green algae such as Chlamydomonas, Volvox, have not been included in the kingdom Protista. This is due to their resemblance with the other green algae in structure, reproduction and life cycle. Fifth one, the slime molds are quite different from the other protists with which they have been combined. These are all about five kingdom system of classification. Let us start first kingdom, that is kingdom Monera. In case of this kingdom, Monerans include prokaryotic organism. Example, Archaebacteria, Eubacteria, blue green algae, Cyanobacteria. These are few examples of
minerals. They are primitive type of cell. That is why they are called as prokaryotic organism. The kingdom Monera include the most ancient and the smallest and simplest, most plentiful prokaryotes. Therefore, the kingdom is also known as prokaryota. Pro means primitive or before. Kary means, yeah, karyon means nucleus. The term prokaryote means before a nucleus, means the primitive type of nucleus, when the nucleus start to develop. That means these organisms lack a true nucleus. That is, the nuclear material of these organisms is not enclosed within a nuclear membrane. And some basic proteins are absent in the nucleoplasm. The kingdom Monera include bacteria, cyanobacteria, blue-green alga, archaebacteria, and some smaller groups like mycoplasma, rickettsia, actinomycetes. It is, however, the difference in the structural and morphological characters among these groups are so little that it is very difficult to distinguish the groups, subgroups, genera, and species of these organisms. Let us discuss about bacteria. Bacteria are minute, unicellular, microscopic, means we cannot see without the help of microscope. Microscopic, simple, undifferentiated prokaryotic organism, which are usually identified by their specific activities and not by their general appearance. They were discovered by a Dutch naturalist, Antoni van Leeuwenhoek. He is also known as father of microbiology, who invented the first microscope in 17th century and observed different specimens, including scraping from his own teeth. He observed bacteria on June 10, 1675, but he thought them to animalcules, little animals, due to their small size and mortality. However, these organisms were termed bacteria by Ehrenberg in 1838. Means the term bacteria was given by Ehrenberg. Later, in about 1850, Louis Pasteur laid the scientific foundation of bacteriology. That is the branch of science that deals with the study of bacteria. Louis Pasteur also gave the germ theory of diseases. This question frequently asked in various competitive exams. Germ, father of germ theory of diseases, that is Louis Pasteur. By developing culture technique and methods of sterilization. General features or general characters of bacteria. Occurrence means habit or habitats. Bacteria are
ubiquitous, that is, they occur anywhere and everywhere, in water, in air, in soil, in all living organisms except the pits of volcanoes, deep strata of rocks, top of high mountains, and blood of healthy animals. Some thermophilic bacteria can withstand the temperature up to 78 degrees centigrade, while some psychrophilic bacteria occur up to temperature of minus 190 degrees centigrade. Size. The average size of bacterial cell ranges from 1 micrometer to 10 micrometer in length and from 0.7 micrometer to 1.5 micrometer in width. The size of the smallest bacterium, that is cocci, is not more than 0.1 micrometer, while the largest reaches up to 500 micrometer. The largest bacterium is Bagetoa mirabilis. It is 16 to 45 micron in diameter and several centimeter long. Shape. The shape and forms of individual bacteria usually remain constant. However, some of them are able to change their shape and size with changes in environmental conditions. Such bacteria which change their shape are called pleomorphic. The bacteria which have the ability to change its shape, they are called as pleomorphic. The bacteria possesses the following forms. Coccus. Berry like, coccus berry. The coccus bacteria, plural cocci, are spherical, ellipsoidal, or ovoid in shape. Coccus forms may exist singly, micrococcus. In pairs, means when a single coccus is present, then it is called as micrococcus. In pairs, means two cocci when present, they are called diplococcus. 4. Tetra, a tetracoccus. In chains, streptococcus. Or in seeds, staphylococcus. A few cocci may occur in cubical packets or of 8 or more cells. See the different forms of bacteria. Singly, micrococcus in the form of 2, diplococcus in the form of 4, tetracoccus in the form of chain, streptococcus in the form of seed, staphylococcus, and sarcin. Bacillus, that is rod shaped. Bacillus singly when they are present, diplobacillus when present two simultaneously. When formation of pile, palisade, and when forms a chain, is streptobacillus. Spirulum, like spiral shape. Vibrio, comma shape. Mycelial, branch, star, and budded form. Bacillus are small rod. Bacillus bacteria, plural, bacilli, are straight rod shape. Cylindrical. End walls may be pointed. C.
फ्लैट कॉनकेव और कॉन्वेक्स दे में अकर सिंगली दैट इज बेसलेस इन पेयर्स दे आर कॉल्ड डिप्लो बेसलेस वेन स्टॉक लाइक पैलिसेड स्टेक पैलिसेड बेसलेस आर इन चेन स्ट्रेप्टो बेसलेस स्पायरुलम स्पाइरल क्वायल द स्पायरुलम बैक्टीरिया प्लूरल स्पाइरिला आर स्पाइरल आर क्वायड लाइक ए कॉर्क स्क्रू द स्पाइरुलर फॉर्म्स आर यूजुअली रिजिड एंड बियर टू आर मोर फ्लैजेला एट वन आर बोथ द एंड्स दैट इज एग्जाम्पल स्पायरुलम आर स्पायरोकीट्स विब्रियो द बैक्टीरिया आर रॉड शेप्ड विद सिंगल कर्व सी शेप्ड और कॉमा शेप्ड दे हैव वन आर मोर फ्लैजेला एट वन पोल एग्जाम्पल विब्रियो फिलामेंटस द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया मीन्स फिलामेंटस लाइक फंगल माइसीलिया द फिलामेंट्स आर वेरी स्मॉल एग्जाम्पल बेगिएटोवा थायोथ्रिक्स नेक्स्ट स्टार्क द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम पोसेसेज स्टार्क एग्जाम्पल काउलोबैक्टर बडेड द बॉडी ऑफ बैक्टीरियम इज स्वेलन एट प्लेसेज एग्जाम्पल रोडोमाइक्रोबियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस आर एबसेंस ऑफ फ्लैजेला बैक्टीरिया हैज बीन डिफरेंट डिवाइडेड टू डिफरेंट कैटेगरीज फ्लैजेलेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्लैजेला द बैक्टीरियल फॉर्म्स मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टाइप्स व्हाट आर दोज फर्स्ट वन एट्राइकस एट्राइकस फ्लैजेला एब्सेंट एग्जाम्पल लैक्टोबैसिलस सेकेंड वन मोनोट्राइकस सिंगल फ्लैजेलम अटैच्ड एट वन एंड दैट इज विब्रियो कॉलरा थर्ड वन सिफाइलोट्राइकस मेनी फ्लैजेला अटैच्ड टू वन एंड एग्जाम्पल स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस फोर्थ वन एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजेलम अटैच्ड एट ईच ऑफ द टू एंड एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास फिफ्थ वन लोफोट्राइकस ए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला अटैच्ड एट ईच ऑफ द टू एंड एग्जाम्पल स्पायरुलम बोलोटेंस सिक्स वन पेरिट्राइकस ए फ्लैजेला आर अटैच ऑल ओवर द बॉडी एग्जाम्पल सालमोनेला टाइफाई एंड ईकोलाई दिस इज द फीचर ऑफ अ जनरल फीचर ऑफ बैक्टीरिया सी द फिगर मोनोट्राइकस वन फ्लैजेला एट वन एंड एम्फीट्राइकस वन फ्लैजेला एट ईच एंड सिफाइलोट्राइकस ए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड लोफोट्राइकस ए ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स पेरिट्राइकस फ्लैजेला फाउंड ऑल अराउंड द बॉडी एट्राइकस देयर इज नो फ्लैजेला प्रेजेंट दिस इज ऑल अबाउट बैक्टीरिया and its classification. We will deal bacterial cell structure, its reproduction and its economic importance in our next video. Okay. Thank you.